नई दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी रविवार रात को हुई हिंसा को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। लोग इसे सरकार द्वारा प्रायोजित बताकर अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं। जी हां, आज कुछ इसी अंदाज में मुरादाबाद शहर के महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में आर्ट के एसोसिएटिव प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने अपनी पेंटिंग से इस हिंसा का विरोध जताया और पेंटिंग पर संविधान की पंक्तियों के साथ सेव यूनिवर्सिटी जैसे शब्द लिखे और सभी से छात्र छात्राओं के साथ खड़े होने की अपील की। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि आज जिस प्रकार सरकार यूनिवर्सिटी और कॉलेज से उठी विरोध की आवाजों को कुचल रही है, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। जेएनयू के छात्रों ने फीस वृद्धि से लेकर सीएए और एनआरसी का जमकर विरोध किया था। अब उनके दमन का ये तरीका अजमाया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। सरकार पब्लिक प्रॉपर्टी को निजी हाथों में सौंप रही है तो पब्लिक को विरोध जताने का अधिकार है, लिहाजा जो भी छात्र छात्राओं के समर्थन में आ रहे हैं उनका स्वागत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ बता दें कि मुरादाबाद शहर में लगातार कई संगठन जेएनयू हिंसा को लेकर विरोध जता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने अपनी पेंटिंग के जरिए अहिंसात्मक विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने संविधान बचाने की अपील की है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। पेंटिंग बनाने का मुख्य उद्देश्य है देश के संविधान को बचाना, देश की विश्वविद्यालयों को बचाना। जिस तरह के हमले हो रहे हैं, अब देखें जेएनयू में जो हमला हुआ, ये बहुत निंदनीय है। और जिस तरह से लोग मुंह बंद करके आ रहे हैं और छात्रों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है कि देश में क्या एजुकेशन संस्थान बचेंगे कि नहीं? ये सरकारें बचाना चाह रही हैं या नहीं बचाना चाह रही हैं? यदि सरकारें बचाना चाह रही हैं तो इसे भाई बहुत विचार करने की बात है कि विश्वविद्यालयों को किस तरह से बचाएं। और एजुकेशन जो है, जो सरकारों को एजुकेशन देने का जो संविधान में लिखा है कि सभी को फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, वो पैसों से बिक रही है एजुकेशन। और पैसों के बिकने के कारण भाई जो वहाँ पे फीसें बढ़ाई जानी, उसका स्टूडेंट विरोध कर रहे थे, सीएए का विरोध कर रहे थे, एनआरसी का विरोध कर रहे थे। अब जो विश्वविद्यालय विरोध कर रहे हैं उन पर ही अटैक हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि के माध्यम से क्या संदेश दिया है आपने? पेंटिंग के माध्यम से देखिए, हमारा ये विरोध है और ये हमारी संवेदना उन विद्यार्थियों के साथ में है जिनके सर फूटे, जो मारे गए, और उन जो है पूरे भारत के लोगों के साथ जो एकजुट होकर जो है ऐसे जो सरकारें हैं उनका विरोध कर रही हैं, जो बिल्कुल दमन कर रही हैं। दमनकारी सरकारों का विरोध है ये इस पेंटिंग के माध्यम से। अच्छा, फिल्मी स्टार भी अभी जो आंदोलन उसका तो उसमें समर्थन में आ रहे हैं, क्या मानते हैं आप? क्या सरकार जो कर रही है वो बहुत ज़्यादा उत्पीड़न कर रही है? देखिए, सरकार ने उत्पीड़न की अति कर दी है। ये उत्पीड़न इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, उत्पीड़न जितना उत्पीड़न हो रहा है। सारी चीज़ें आप देखें, देश की चीज़ें निजी हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में बेचने के कारण जो है अब ये जो चीज़ें आ रही पूंजीपतियों के बेचने के को लेकर लोगों पे आक्रमण हो रहा है, उनकी भाई संपत्तियां छीनने की बातें हो रही हैं। आप देखें, जल जमीन जंगल सारे पूंजीपतियों को बेच दिए, सारे सरकारी जितने संस्थान हैं सब बेचे जा रहे हैं, निजी किए जा रहे हैं। ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक के खून पैसे की कमाई से बनी है। यदि खून पैसे के कमाई से बनी है तो पब्लिक को विरोध करने का भी अधिकार है और विरोध करेगी पब्लिक, एकजुट होकर ये संघर्ष करेगी ऐसे लोगों का भी। अच्छा, इस पेंटिंग पर क्या क्या स्लोगन अंकित किए गए आपके द्वारा? पेंटिंग पे संविधान है और सेव एजुकेशन और सेव ह्यूमैनिटी, एजुकेशन बचाना और मानवता बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है और संविधान बचाना। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।